हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। तो मेरा नाम है फिनिक्स एंड तुम लोगों का स्वागत है पोकेमोन ब्लू वर्जन के गेम प्ले के पार्ट 14 में। तो लास्ट एपिसोड में तुमने देखा कि मैं सेलेडोन सिटी से आ गया साइकिलिंग रोड से होते हुए फुईशा सिटी, और लास्ट एपिसोड में मैंने एक स्नोलैक्स को भी कैच किया था जो कि 13 लेवल का था। तो इस एपिसोड में मैं करने वाला हूँ फुईशा सिटी में फुईशा सिटी के जिम लीडर कोगा को चैलेंज। तो चलो कोगा के जिम में चलते हैं भाई, यही पास में ही कोगा का जिम है। तो मुझे लगता है मैं आराम से कोगा को टेक डाउन कर सकता हूँ। तो चलो कोगा के जिम में चलते हैं। फुईशा सिटी पोकेमोन जिम लीडर कोगा दी पॉइजनस निंजा मास्टर। ओके, तो ये है पॉइजनस निंजा मास्टर फुईशा सिटी पोकेमोन जिम लीडर कोगा विनर ट्रेनर ग्यारी। भाई ग्यारी इधर आया था एंड तुम्हें पता है ना, वो हर वक्त मुझसे पहले रहता है। यो चैम्पियन इन मेकिंग फुईशा जिम इज रिडलिंग विद इनविजिबल वॉल्स। अच्छा, इनविजिबल वॉल्स है। कोगा माइट अफ्रेड टू क्लोज बट ही ब्लॉक इट ऑफ। यू हैव टू फाइंड गैप्स इन द वॉल टू रीच हिम। भाई मुझे ढूंढना पड़ेगा इन वॉल के गैप ढूंढना पड़ेगा इन वॉल में से, तभी जाके मैं कोगा से मिल सकता हूँ। तो ब्रो इधर है क्या? नहीं इधर नहीं, इधर तो एक ट्रेनर है कोगा का। तो चलो इसे बैटल करते हैं ब्रो। कोगा का चमचा, लेट सी यू बीट माय स्पेशल टेक्निक। भाई चलो इसके स्पेशल टेक्निक को बीट करते हैं। तो भाई ये है जंगलर जो कि यूज़ करता है ड्राउजी को, जो कि 34 लेवल का है। स्नोलैक्स हेडबट मार ड्राउजी के ऊपर। भाई ड्राउजी भी हेडबट मार रहा है मेरे ऊपर। तो भाई ड्राउजी के ऊपर हेडबट तो डैमेज दिया, एक और हेडबट। भाई ये ड्राउजी भी हेडबट मार रहा है मेरे ऊपर। ठीक है, तो स्नोलैक्स का लास्ट हेडबट से ड्राउजी हो गया फेंडेड एंड स्नोलैक्स गेन 742 एक्सपीरियंस पॉइंट। एंड ये जंगलर अबाउट टू यूज़ कैडाबरा। अब ये कैडाबरा यूज़ करने वाला है। तो स्नोलैक्स इन कैडाबरा को तुझे हराना होगा अपने हेडबट अटैक से। रिकवर, अबे तू अभी रिकवर यूज़ करके क्या करेगा, तुझे तो मैंने डैमेज भी नहीं दिया था। भाई स्नोलैक्स का एक हेडबट नहीं संभाल पाया ये कैडाबरा, एंड इसने तो अपना स्पेशल टेक्निक दिखाया नहीं इस बंदे ने। स्नोलैक्स गेन 1050 एक्सपीरियंस पॉइंट एंड स्नोलैक्स ग्रो टू लेवल 31। अपना स्नोलैक्स 31 का हो गया ब्रो, नाइस, अच्छा है। यू हैड मी फूल इट। ओह भाई स्नोलैक्स पॉइजनस नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है। आई लाइक पॉइजन एंड स्लीप टेक्निक एज दे लिंगर आफ्टर बैटल। भाई इसे पसंद है पॉइजन, सबको पसंद है इस जिम में पॉइजन ऐसा मुझे लगता है, सबको पसंद है एक्चुअली। एबिलिटी लिखा है क्या इधर? नहीं भाई एबिलिटी नहीं लिखा। ठीक है, तो स्नोलैक्स ने इस बंदे को तो हरा दिया। इधर और भी ट्रेनर हैं, इन सबको मुझे हराना होगा। स्ट्रेंथ इज इन द की फॉर पोकेमोन। क्यों भाई? इट्स स्ट्रैटेजी या, लेकिन कभी कभी स्ट्रेंथ भी काम आ जाता है। आई विल शो यू हाउ स्ट्रैटेजी कैन बीट ब्रूट स्ट्रेंथ। अच्छा ऐसा तुझे लगता है, देखते हैं भाई इसका स्ट्रैटेजी। ये तो बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, अच्छी बातें बोल रहा है ये। तो ये देखते हैं भाई इस कैसे मुझे हराता है इसके स्ट्रैटेजी से। इसके पास हिफनो है जो कि 38 लेवल का है भाई। तो भाई स्नोलैक्स हेडबट यूज़ कर, भाई साइकिक यूज़ किया ये हिफनो ने। डैमेज कितना देगा स्नोलैक्स को? ओके बहुत ज़्यादा डैमेज दिया इसने। ओके स्नोलैक्स का हेडबट तो लगा लेकिन ये डैमेज फेंड। ओके ब्रो कन्फ्यूजन क्यों यूज़ किया तूने सबसे पहले? ओके अपना स्नोलैक्स का स्पीड ज़्यादा नहीं था इसलिए इसने हरा दिया। एंड इसके पास साइकिक पोकेमोन था और इसलिए भी। तो आ जा भाई फ्लेरियन, तुझे भी एक्सपीरियंस देना लेना होगा। तो क्विक अटैक देखते हैं हिप्नो के ऊपर कितना डैमेज देता है फ्लेरियन का क्विक अटैक। डैमेज तो ज़्यादा नहीं दिया। अब हिप्नो ने साइकिक यूज़ किया ब्रो, फ्लेरियन तो फेंडेड हो जाएगा ऐसा मुझे लगता था लेकिन हुआ नहीं, अच्छा है ब्रो। पॉइजन गैस, सच में पॉइजन गैस यूज़ करना था तुझे अभी? ओके ये ब्रो भाई ऊपर से इसे पॉइजनस, ठीक है क्विक अटैक। ओके हिप्नो हो गया फेंडेड, 38 लेवल के पोकेमोन को हरा दिया है फ्लेरियन ने। एंड फ्लेरियन गेन 1342 एक्सपीरियंस पॉइंट एंड फ्लेरियन ग्रो टू लेवल 29। भाई अपना फ्लेरियन 29 का हो गया, अच्छा है। व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी
थैंक यू ब्रो। वैसे इसने अच्छा मतलब मुझसे बैटल किया। सो यू मिक्स ब्राउन विद ब्रेन, गुड स्ट्रैटेजी। ओके तो मैं, चलो भाई पोकेमोन सेंटर जाके हील कर लेता हूँ अपने सारे पोकेमोन, क्योंकि ओके एक बार हील कर लिया, अब नहीं हील करने वाला। मैं सीधा जिम बैज लेने के बाद ही जाऊँगा मैं इधर से। इधर एक और ट्रेनर है, आ जा भाई तू बैटल करने। आई वॉन्ट टू बिकम ए निंजा सो आई ज्वाइन दिस जिम। अच्छा तो इसे निंजा बनना था इसलिए इसने इस जिम को ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इस जिम का जो लीडर है वो एक निंजा मास्टर है। ब्रो इसके पास चार पोकेमोन है। सबसे पहला पोकेमोन है ड्राउजी, जो कि ये 31 लेवल का है। अपना स्नोलैक्स भी 31 लेवल का है। ड्राउजी ने कन्फ्यूजन यूज़ किया अपने स्नोलैक्स के ऊपर, ठीक है थोड़ा सा डैमेज दिया है, लेकिन स्नोलैक्स कन्फ्यूज हो चुका था। लेकिन फाइनली इसने एक हेडबट अटैक लगा दिया इस ड्राउजी के ऊपर, एंड ये ड्राउजी फेंडेट हो गया। एंड 676 एक्सपीरियंस मिल गया। एक और ड्राउजी है, तो ब्रो स्नोलैक्स तुझे हराना होगा इस ड्राउजी को भी। कम ऑन, एक और हेडबट मार भाई। ये पॉइजन गैस यूज़ कर रहा था स्नोलैक्स के ऊपर, लेकिन इट डोंट अफेक्ट स्नोलैक्स। स्नोलैक्स अभी भी कन्फ्यूज है। मुझे लगा कि कन्फ्यूजन छूट जाएगा जब वो फेंडेट कर दिया देगा उस पोकेमोन को जिसने कन्फ्यूज किया है, लेकिन नहीं भाई ये अभी भी कन्फ्यूज ही है। तो फिर एक और भाई, इसने स्विच कर लिया अपना पोकेमोन को, कैडाबरा यूज़ कर रहा है अब। तो ठीक है भाई, कन्फ्यूजन लग जा भाई। इट्स हर्ट हिमसेल्फ भाई, खुद को मत अटैक कर भाई। डिसेबल यूज़ किया कैडाबरा ने, रेस्ट को डिसेबल कर दिया। ठीक है, कन्फ्यूजन नो मोर। अब स्नोलैक्स कन्फ्यूजन से निकल के हेडबट मारा कैडाबरा को, एंड 963 एक्सपीरियंस मिला। ये जगलर अब ड्राउजी यूज़ करने वाला है भाई। स्नोलैक्स ने तो दो ड्राउजी को हराया, अब प्रो पिजियोटो आ जा भाई। नहीं भाई, एक ड्राउजी को हराया एंड एक कैडाबरा को। ये ड्राउजी वाला फेंडेड नहीं हुआ था भाई, कैडाबरा को ही हराया उसने भाई। पॉइजन गैस क्यों यूज़ किया तूने? पॉइजनस करेगा अपने पिजियोटो को, ठीक है भाई। लेकिन पिजियोटो अपना विंग अटैक तो मार भाई, ऊपर से इसका हेड बट रेजर विंग तो लगा नहीं भाई। विंग अटैक को तो मैंने फॉरगेट कर दिया था ना, मैंने फिर क्यों बोल रहा हूँ। ओके ये कन्फ्यूजन यूज़ कर रहा है, एंड रेजर विंड फाइनली लगा ड्राउजी के ऊपर, एंड पिजियोटो गेन 676 एक्सपीरियंस पॉइंट। ड्राउजी एक और ड्राउजी है ब्रो, इसके पास तीन ड्राउजी था। इतना ड्राउजी लेके क्या करता क्या है ब्रो? लोगों को हिप्नोसिस करता है क्या? यहाँ तो अपना इधर जिम में तो काम करता ही है, लेकिन ठीक है भाई। पिजियोटो का फ्लाई अटैक मिस हो गया, पता नहीं ये पॉइजनस है इसीलिए, आई गेस इसीलिए शायद लगा नहीं अपना पिजियोटो का अटैक भाई। पिजियोटो फेंडेड हो गया, कम ऑन पिजियोटो। ओके तो पिकाचू आ जा भाई। पिजियोटो तो फेंडेड हो गया, लेकिन तू इस ड्राउजी को फेंडेड कर। ओके मेगा पंच अब लगा, आधा डैमेज दिया इसे, एंड पिकाचू का मेगा पंच को डिसेबल कर दिया है इस ड्राउजी ने। अब मैं मेगा पंच तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन थंडरबोल्ट तो यूज़ करता हूँ कर सकता हूँ ना अभी, तो थंडरबोल्ट यूज़ करते हैं भाई। थंडरबोल्ट से भी ये फेंडेड नहीं हुआ। अब कितना तू क्या बोलते भाई डिसेबल करेगा? सारे मूव डिसेबल करना चाहता है तू ड्राउजी। तो ठीक है, ये ड्राउजी को भी हरा दिया हमने क्रिटिकल थंडरबोल्ट अटैक से, एंड 676 एक्सपीरियंस मिला। इस जगलर को हरा दिया। आई हैव डन फॉर या ब्रो, तू तो हो गया ख़त्म। आई विल कीप ऑन ट्रेनिंग अंडर कोगा माई निंजा मास्टर। भाई ये कोगा के अंडर ट्रेन करता रहेगा जब तक ये निंजा मास्टर ना बन जाए। I also study way of the ninja with Master Koga. Ninja have a long history of using animal. Okay, तो भाई ये अपना हिस्ट्री का ज्ञान दे रहा है, तो इस हिस्ट्री के ज्ञान देने वाले को हराते हैं। टैमर, अच्छा ये टैमर है इसलिए ये एनिमल के बारे में बात कर रहा है। इसके पास से आर वॉक जो कि 33 लेवल का है ब्रो। आर वॉक भी एक पॉइजन टाइप एंड नॉर्मल टाइप पोकेमोन है या फिर प्योर पॉइजन टाइप? तो भाई आर वॉक के ऊपर हेडबट यूज़ करते हैं। स्नोलैक्स हेडबट मार, ओके बच गया ये। एक और हेडबट एंड इसे हरा भाई। ओके 1039 एक्सपीरियंस मिला स्नोलैक्स को। ओके अब इस सैंड स्लैश यूज़ करने वाला है, तो सैंड स्लैश को अपना ब्लास्टॉइज हराएगा।
वो भी उसके वाटर गन अटैक से, क्योंकि ये जल्दी फेंडेड होगा। ओके सैंड स्लैश कौन सा, पॉइजन टाइप एंड नॉर्मल ग्राउंड टाइप पोकेमोन है क्या? सैंड स्लैश गया 11,000 है भाई, 1,152 एक्सपीरियंस पॉइंट। एंड ब्लास्टोइज ग्रो टू लेवल 46, अपना ब्लास्टोइज 46 का हो गया है। अब ये टैमर फिर से यूज़ करने वाला है आरबॉक को, तो आरबॉक के लिए मैंने पिकाचू को बुला लिया है। आ जा भाई पिकाचू, बॉडी स्लैम मार्स आरबॉक के ऊपर। भाई डैमेज नहीं दिया ज़्यादा, ऊपर से ये आरबॉक बाइट अटैक यूज़ किया मुझसे। ठीक है भाई पिकाचू हरा सकता है, तो पिकाचू यूज़ थंडर बोल्ट। एंड पिकाचू का थंडर बोल्ट लगते ही ये आरबॉक हो गया फेंटेड एंड 1039 एक्सपीरियंस दे दिया मुझे। एंड टैमर आओ, क्या हुआ भाई टैमर? आई स्टिल हैव मच टू लर्न, भाई सबको बहुत कुछ लर्न करना बाकी है अभी। इनविजिबल वॉल, तो ठीक है यहाँ से एक और ट्रेनर। स्टॉप राइट देयर किड, आवर इनविजिबल वॉल हैव यू फ्रस्ट्रेटेड? नहीं भाई फ्रस्ट्रेटेड कुछ नहीं किया इसने, उल्टा तो मुझे मतलब इंटरेस्टिंग बना रहा है तू ये गेम। ठीक है इस टाइमर के पास दो पोकेमोन है, पहला है सैंड स्लैश, तो भाई सैंड स्लैश के ऊपर हेडबट मार स्नोलैक्स। अबे सैंड अटैक नहीं मारना था भाई, अब अटैक मिस हो गया अपना। ये कौन सा अटैक है भाई, एमिनिमेसा, इससे क्या होगा? कन्फ्यूज है भाई, क्या रोज हुआ अपना? कुछ तो रोज हुआ, मैंने देखा नहीं। अच्छा स्पेशल रोज हुआ, तो एक और हेडबट मरते भाई, पॉइजन स्टिंग यूज़ कर रहा है सैंड स्लैश। ठीक है भाई हेडबट लगा, डैमेज ज़्यादा दिया। एक और हेडबट लगेगा इस सैंड स्लैश के ऊपर, उसके बाद ये फेंडेड हो जाएगा। कम ऑन भाई लग जाए एक हेडबट, स्नोलैक्स फेंडेड कर इसे। ठीक है भाई फाइनली लग गया इसका एक हेडबट एंड 1186 एक्सपीरियंस मिला। एंड स्नोलैक्स ग्रो टू लेवल 32, अपना स्नोलैक्स 32 का हो गया। आरबॉक यूज़ करने वाला है, तो आरबॉक के लिए मैं रखूँगा पिकाचू को। आ जा भाई पिकाचू, थंडर बोल्ट मार इसके ऊपर। ओके आरबॉक फेंडेड नहीं हुआ, एक और थंडर बोल्ट खाएगा उसके बाद फेंडेड हो सकता है ये, तो देखते हैं भाई ट्राई करके। 34 लेवल का है ये, अपने पिकाचू का, पिकाचू से भी लेवल ज़्यादा है इस आरबॉक का। पॉइजन स्टिंग की ऐसी की तैसी ब्रो, ये ले भाई मेगा पंच ले आरबॉक, कैसा लगा मेगा पंच बताना ज़रूर। ओके तू बता नहीं सकता, तू तो एक पीएनजी है ना। 1071 एक्सपीरियंस मिला मुझे, वो ही इज गॉट इट। या ब्रो यू इम्प्रेस्ड मी, हियर ए हिंट, लुक वेरी क्लोजली फॉर गैप्स इन द इनविजिबल वॉल। भाई दूर से भी मैं देख सकता हूँ गैप्स किधर हैं। ठीक है भाई, वैसे मैं तुमसे बैरल करना चाहता तुम लोगों से, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। मास्टर कोगा कम फ्रॉम ए लॉन्ग लाइन ऑफ निंजा, भाई मास्टर कोगा का ब्लड लाइन सारे निंजा हैं। और डिड यू डिसेंडेंट फ्रॉम, मुझे नहीं पता भाई मैं किस से डिसेंडेंट हूँ, किसका डिसेंडेंट हूँ। ओके भाई इसके पास ड्राउजी है, इसके पास दो पोकेमोन है, तो भाई ड्राउजी के ऊपर हेडवर्ड यूज़ कर भाई स्नोलैक्स। भाई ड्राउजी ने एज देखो भाई। ओके इसने स्विच कर लिया हिप्नो। ठीक है भाई दो हेडबट अटैक लग गया एंड स्नोलैक्स 742 एक्सपीरियंस मिल गया स्नोलैक्स को। अब ये हिप्नो यूज़ करने वाला है एंड तुम देख सकते हो स्नोलैक्स का एक्स एचपी। तो मैं पिकाचू को बुलाता हूँ एंड थंडर बोल मारने को बोलता हूँ एंड इस हिप्नो को फेंडेड करने बोलता हूँ ब्रो। तो भाई हो जा फेंडेड, भाई फेंडेड नहीं हुआ, बच गया ये। ऊपर से इसने हेडबट मारते हैं मुझे, सैजमिक टॉस देते हैं भाई इस हिप्नो को। सैजमिक टॉस कैसा लगा प्रो, सैजमिक टॉस तुझे कैसा लगा भाई? बच गया ये, कन्फ्यूजन नहीं भाई, कन्फ्यूजन नहीं यूज़ करना था भाई। इसने पिकाचू को भी फेंडेड कर दिया ब्रो, मैं कर क्या रहा हूँ भाई? स्नोलैक्स को रहने दो ब्रो। आ जा भाई ब्लास्टॉइस एंड आइस बीम से फेंडेड कर भाई। 1201 एक्सपीरियंस मिला, अच्छा था एक्सपीरियंस। ड्रॉप इट माई बॉल्स, अभी क्या बोल रहा है, कौन से बॉल गिर गए तेरे? Where there is light, there is a shadow. भाई ठीक है, light and shadow, which do you choose? I will choose shadow. Yes, bro, I need shadow. तो Pokemon Center चलते हैं। तुमने देखा भाई मेरा सारे Pokemons का level and हालत, उस हालत में तुम्हें कोगा को कभी नहीं हरा सकता था।
इसलिए हील करके आ गया मैं सारे पोकेमोन। अब चलो कोका के पास चलते हैं, इससे इसको चैलेंज करते हैं भाई। कोका कोका के पास कितने पोकेमोन्स हैं? आई डोंट नो ब्रो, अभी पता चल ही जाएगा कितने पोकेमोन हैं। कोका मैं तुझे चैलेंज करने आया हूँ इधर। हा, ये मेड चाइल्ड लाइक यू डेड टू चैलेंज मी, ऐसा तुझे लगता है? तू जब मुझसे बैटल करेगा तब तुझे पता चलेगा मेरा वैल्यू। वेरी वेल, आई शो यू ट्रू ट्रेडर एज ए निंजा मास्टर। ठीक है भाई, ये मुझे अपना ट्रू ट्रेडर दिखाएगा। द डिस्पायर ऑफ पॉइजन एंड स्लीप टेक्निक। ओके ठीक है, पॉइजन एंड स्लीप टेक्निक दिखा भाई तेरा, पॉइजन एंड स्लीप टेक्निक। इसके पास चार पोकेमोन है। सबसे पहला है कॉफिंग, जो कि 37 लेवल का है भाई। कॉफिंग अपना एक से अटैक रोज कर रहा है भाई, अटैक पावर रोज कर रहा है। ये चाहता है कि मुझे एक अटैक से फिनिश करना अपने स्नोलैक्स को, लेकिन ये कर नहीं पाएगा भाई। कॉफिंग का देखा तुम्हें डैमेज कितना दे दिया है अपने स्नोलैक्स ने। एक और हेडबट मारना पड़ेगा, उसके बाद ये कॉफिंग हो जाएगा फेंडेड। ब्रो कम ऑन, लग जा भाई, मिस क्यों हो गया अटैक? स्लज नहीं यूज़ करना चाहिए था तुझे। कॉफिंग बहुत ही गंदा अटैक है तेरा ये स्लज। ऊपर से साले तूने पॉइजनस कर दिया अपने स्नोलैक्स को। मुझे नहीं लगा पता था कि भाई स्नोलैक्स पॉइजनस हो सकता है। मुझे लगता है उसका इम्यूनिटी बहुत है, इसीलिए पॉइजनस कभी नहीं हो सकता। स्नोलैक्स गेन 903 एक्सपीरियंस पॉइंट। ठीक है भाई, 903 एक्सपीरियंस मिल गया। अब ये यूज़ करने वाला है मग, तो मैं यूज़ करूँगा अपने क्या बोलते भाई, पिकाचू। आ जा भाई पिकाचू। अब ये कौन सा भाई, ये छोटा क्यों बन गया भाई? मुझे नो नहीं दबाना था, एस दबाना था भाई। ऊपर से अपना स्नोलैक्स पॉइजनस है, उससे डैमेज मिल रहा है, उस पर से ये स्लज यूज कर रहा है। कितना डैमेज देगा भाई स्नोलैक्स को? फेंडेड करना चाहता है ब्रो, इसने लिटरली फेंडेड कर दिया भाई स्नोलैक्स को। मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तो पिकाचू आ जा भाई, एंड थंडरबोल्ट यूज कर भाई, ये मिनिमाइज है इसीलिए। ओपे स्लज, फिर से इसका स्लज अटैक, देखा तुमने? तो ब्रो सेज्मिक टॉस दिया मैंने इस मक को, एंड ज़्यादा डैमेज नहीं मिला। ऊपर से इसने एक और स्लज यूज किया एंड फेंडेड कर दिया ब्रो अपने पिकाचू को। कम ऑन ब्रो, तो ब्लास्टॉइस तो रहने देते हैं ब्रो। मैं तो बैकअप पोकेमोन को रखता हूँ। आ जा भाई ब्लास्टॉइस, अपना आइस भी मेटा की उसका इस मक के ऊपर, एंड इसे फ्रीज कर दें भाई। बच गया स्लज, ऊपर से ये स्लज अटैक इसका बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है भाई। लाइक पॉइजनस कर दिया ब्लास्टॉइस को तूने, ये गलत किया ब्रो तूने। ये ले एक और आइस भी ले लें एंड फेंडेड हो जा भाई। ठीक है, ब्लास्टॉइस ने मक को हरा दिया। 1311 एक्सपीरियंस मिला। अब कोगा यूज़ करने वाला है कॉफिंग को, तो ठीक है भाई। सबसे पहले एंटीडोट यूज़ करता हूँ मैं कॉफिंग के ऊपर, ब्लास्टॉइस के ऊपर। अब फिर से इसने स्लज यूज़ किया ये कॉफिंग, ये तो मरेगा मेरे हाथ से, मेरे डिग अटैक से नहीं बचेगा ये कॉफिंग। तो ब्रो कम ऑन, ठीक है भाई कॉफिंग एक अटैक से फेंडेड हो गया। अब इसके पास शायद एक पोकेमोन बचा है इस ट्रेनर के पास। 903 एक्सपीरियंस मिला ब्लास्टॉइस को। यस, एक ही पोकेमोन बचा है जो कि है वीजिंग। तो मैं इसको चाहता था कि चेंज करूं, लेकिन मुझसे गलती से बी बटन दब गया। तो भाई ब्लास्टॉइस के ऊपर ब्लास्टॉइस क्विक अटैक यूज़ कर भाई सेल्फ डिस्ट्रक्ट यूज़ करके खुद ही फेंडेड हो गया भाई ये वीजिंग। मुझे लगा कि इसे हराने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नहीं भाई, ये खुद ही मर गया भाई सेल्फ डिस्ट्रक्ट होके तो 1593 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला भाई ब्लास्टॉइस को। सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इससे ही मिला अभी तक, और फ्यूचर में भी शायद मिल सकता है। हब, यू हैव प्रूवन योर वर्थ हियर, टेक द सोल बैज भाई। इससे मुझे सोल बैज मिल गया। तो कोका को हरा दिया मैंने। नाउ दैट यू हैव द सोल बैज द डिफेंस ऑफ योर पोकेमोन इंक्रीज। ओके, अपने सारे पोकेमोन का डिफेंस इंक्रीज हो गया। इट ऑल्सो लेट यू सर्फ आउटसाइड ऑफ बैटल। अब मैं आउटसाइड में सर्फ यूज कर सकता हूँ, बस मुझे सर्फ HM चाहिए। हाँ, टेक दिस टू भाई। एक और चीज़ दिया इसने, TM06। कौन सा TM है भाई? टॉक्सिक, इट्स ए ग्रेट सीक्रेट टेक्निक ओवर 400 ईयर्स ओल्ड भाई। 400 ईयर्स ओल्ड ये TM है इसका सीक्रेट टेक्निक। यूज़ करना तो बनता है भाई, कौन सीख सकता है टॉक्सिक? ओके कम ऑन ब्रो, टॉक्सिक तो सारे सीख सकते हैं। तो मैं अभी फ्लेरियन को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पास कोई पावरफुल अटैक्स नहीं है।
तो ब्रो डबल एच को हटा के मैं सिखा देता हूँ टॉक्सिक। तो ये अपना टॉक्सिक सीख चुका है, तो चलो अब पोकेमोन सेंटर चलते हैं, हील करते हैं अपने सारे पोकेमोन को सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लोर करने में निकलूँगा इधर। तो ब्रो पोकेमोन सेंटर आ चुका हूँ मैं एंड हील करा लेता हूँ एंड एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वाटर ब्रो पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा है। ब्रो लेट्स डू दिस। तो एक्सप्लोर करते हैं ब्रो, इस लड़की से स्टार्ट करते हैं। दे आर ए नैरो ट्रायल वेस्ट ऑफ विरिडियन सिटी। क्या? इट गोज टू पोकेमोन लीग एच क्यू, द एच क्यू गवर्नर ऑल ट्रेनर। हाँ भाई मुझे पता है, विरिडियन सिटी से ही मैं जा सकता हूँ इंडिगो लीग में। तेरा क्या भाई, तू तो पंख दिख रहा है, स्ट्रीट पंख। यू कैंट विन विद जस्ट वन स्ट्रॉन्ग पोकेमोन, इट्स टफ बट यू हैव टू राइज देम इवेंटली। हाँ ब्रो मुझे पता है। ठीक है भाई तेरा क्या ओपिनियन है? इफ यू आर स्टडिंग पोकेमोन विजिट द सफारी जोन, इट हैज ऑल सॉर्ट ऑफ रेयर पोकेमोन। चलो भाई सफारी जोन चलते हैं भाई, बहुत सारे रेयर पोकेमोन मिलेंगे। लेकिन मैं तो पोकेमोन को कैच नहीं करना चाहता ना भाई, इधर कुछ है क्या? देख लेता हूँ मैं, इधर कुछ होना तो चाहिए। दो ट्रेनर है इधर, तो बैटल करते हैं इनसे। वेट यू हैव ए हार्ट अटैक। भाई नहीं 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 मेरे मुझे कोई हार्ट अटैक उटैक नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहता भाई। तो ये सारे वाटर टाइप ट्रेनर है शायद, इसलिए मुझे पीकाचू को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है इधर, तो ट्रेन करूँगा मैं पीकाचू को। तो भाई स्नोलैक्स का हेडबट कैसा लगा? गोल्डिन भाई गोल्डिन भी बच गया स्नोलैक्स का हेडबट खा के। तो एक और हेडबट एंड स्नोलैक्स 688 एक्सपीरियंस मिल गया। अब इस स्विमर यूज़ करने वाला है हॉर्सी को, तो हॉर्सी के लिए बेस्ट पोकेमोन होगा अपना पीकाचू। तो पीकाचू यूज़ थंडर बोल्ट एंड इस हॉर्सी को भाई फेंडेड कर दूँ। हॉर्सी एक वाटर टाइप, नॉर्मल वाटर टाइप एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन से है क्या? तो 540 एक्सपीरियंस मिला मुझे एंड पीकाचू ग्रो टू लेवल 34। सुमेर अबाउट टू यूज स्टायू, भाई अब ये स्टायू यूज़ करने वाला है। पिकाचू आराम से इस स्टायू को अपने एक थंडरबोल्ट अटैक से फेंडेड कर सकता है। तो करते हैं ब्रो स्टायू, ठीक है स्टायू तो गया भाई एंड 658 एक्सपीरियंस मिला अपने पिकाचू को। अच्छा है ब्रो। ओह दैट्स चिली, क्या? वॉच आउट फॉर टेंटाकूल। ओके मैं देख लूँगा टेंटाकूल को। तो भाई पीकेचू को ट्रेन करने के लिए ये मस्त जगह है। तो भाई पीकेचू आ जा तू फर्स्ट में एंड सबसे बैटल करता हूँ मैं। हैव यू वार्म अप बिफोर माई स्विम? या भाई चलो वार्म अप करते हैं। तो इसके पास दो पोकेमोन है, सबसे पहला है टेंटाकुल जो कि 13 लेवल का है, तो इसे हराने में मज़ा आएगा ब्रो। थंडर बोल्ट, एक थंडर बोल्ट से मरता है क्या ये? नो ब्रो एक थंडर बोल्ट से इतनी जल्दी ये टेंटाकुल नहीं फेंडेड होने वाला। ऊपर से ये वाटर ने यूज़ किया मेरे ऊपर, एक मेगा पंच देते हैं इस टेंडाकुल को एंड फेंडेड करते हैं अब। ओके टेंडाकुल हो गया फेंडेड, 675 एक्सपीरियंस मिला पिकाचू को। अब ये यूज़ करने वाला है सेल्डर को ब्रो, इसके पास सेल्डर है जो कि 13 लेवल का है। तो ब्रो थंडरबोल्ट सेफ आता है कि इसका सेल्डर जो कि 13 लेवल का है? बिल्कुल नहीं भाई, फेंडेड हो गया एक थंडरबोल्ट अटैक से। 622 एक्सपीरियंस मिल गया अपने पिकाचू को एंड वॉल वार्म अप वार्म इट अप और वार्म अप भी हो गया। वार्म अप करना नहीं चाहता लेकिन ये बंदा बोल रहा है तो जेनरस, मतलब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ इसके सामने। थैंक्स किड, आई एम रेडी फॉर माई स्विम। तो चलो जानो भाई स्विम कर, इधर बहुत सारे वाटर टाइप पोकेमोन ट्रेनर हैं, मैं उधर जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सर्फ नहीं है। मैं भूल चुका था कि भाई उधर जाने के लिए सर्फ अटैक चाहिए, लेकिन सर्फ तो नहीं है मेरे पास। मुझे सफारी जोन ही जाना पड़ेगा जहाँ पे मुझे सर्फ आइटम मिल सकता है एंड मैं चाहता हूँ उस सर्फ को लेना, उस अटैक को, उससे मैं अपने सारे पोकेमोन को स्विम करा सकता हूँ। तो चलो ब्रो ढूंढते हैं सफारी जोन किधर है। ब्रो इधर सफारी जोन है क्या? बेल स्पॉट काट, इस पेड़ को काट भाई, कट डाला अपने बेल स्पॉट है भाई। उधर एक हाउस था उसमें जाना चाहिए था, तो
जाऊंगा मैं। लैप्रेस, ये लैप्रेस है, एक द किंग ऑफ द सी भाई, लैप्रेस है इधर। मुझे लैप्रेस बहुत पसंद है। अपने एस के पास था, उसे ऑरेंज जर्नी में मिला था, ऑरेंज लीग में, एक सिटी का नेम तो कुछ था ब्रो। तो ठीक है ब्रो, इधर लैप्रेस है, लेकिन मैं लैप्रेस को यूज़ नहीं करने वाला इस गेम में, मैं फायरहेड में करना चाहता हूँ। ये ब्रो पोकेमोन मार्ट है भाई, इस पोकेमोन मार्ट में मैं क्या जाऊँगा, क्या करूँगा जाके। ये कौन है भाई, ओपन नाइट, ओपन नाइट ए पोकेमोन दैट राइज दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फॉसिल। भाई इसे फॉसिल से इस पोकेमोन को रिवाइव किया है। इधर कौन है, इसे भी फॉसिल से रिवाइव किया है क्या? ओ ब्रो ये तो कंगस्कान है, मेटेरियल पोकेमोन दैट राइज इट्स यंग इन पाउच ओनली बली। ओके ये पता है मुझे, अनयूनिक है ये कंगस्कान। सफारी गेम पोके यू कैच, ओके पोकेमोन यू कैच भाई, सफारी जोन, अंदर चलते हैं इधर। हाय इज इट योर फर्स्ट टाइम हियर? यस, सफारी जोन हैज़ ए फोर सफारी इन जोन इन हिंड, ईच जोन हैज़ डिफरेंट काइंड of Pokemon. Use Safari Ball to catch them. Oh, thank you. When you run out of time or Safari Ball, it's game over for you. Before you go, open a unseen Pokemon box so there are room for new Pokemon. ठीक है भाई, Pokemon तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मैं जो आइटम मिलेगा वो सारे लूँगा। Welcome to Safari Zone. For the just 500, you can catch them all. तो bro, catch करने चलते हैं bro. मैं catch तो नहीं करने वाला, अबे मैंने इग्नोर कर दिया, यस करना था। ठीक है चलो भाई, 30 पोकेबॉल दिया है इसने, मुझे फास्ट जाना होगा। ट्रेनर टिप्स प्रेस स्टार्ट स्टार्ट बॉटम टू चेक द रिमेनिंग टाइम। अच्छा मैं इससे देख सकता हूँ मैं अपने पास कितने टाइम बचे हैं। रेस्ट एज क्यों, तो ये रेस्ट एज क्यों है ब्रो, इस घर में क्या चल रहा है ब्रो? आई एम कैचिंग पोकेमोन टू टेक होम एज ए गिफ्ट, ये इसलिए पोकेमोन को कैच कर रहा है कि ये अपने बच्चों के लिए गिफ्ट ले जा सके। सारा वेयर डिड माई बॉयफ्रेंड गो एरिक गो, भाई इसका बॉयफ्रेंड एरिक किधर गया है? तो चलो इसके बॉयफ्रेंड किधर मिलेगा मुझे नहीं पता। ओके ये तो मैंने पढ़ा ब्रो, इधर कुछ है क्या? वेन नॉट तेरी माँ का ऐसा का साका, सुपर रिपल होना चाहिए था मेरे पास। ये भाई ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सुपर रिपल, अब सुपर रिपल किधर है? ये रहा सुपर रिपल, तो ठीक है भाई सुपर रिपल यूज़ कर दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, आराम से आप आगे जाएंगे, इतना भी कुछ क्या बोलते हैं भाई लेना नहीं है, हेडेक। तो इधर चलते हैं ब्रो, कम ऑन। सेंटर एरिया नॉर्थ, नॉर्थ एरिया टू ब्रो, ये एरिया टू है। इधर कुछ पोकेबॉल नहीं है क्या गिरा हुआ? ओके मिल गया, पोकेबॉल्स का नेम लिया एंड पोकेबॉल मिल गया। कार्बोस मिला मुझे, कार्बोस से क्या कर सकता हूँ मैं, यूज़ कर लेता हूँ कार्बोस। मैं तो एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकता इस सफारी जोन को भाई। कार्बोस से स्पीड इंक्रीज कर दिया अपने स्नोलैक्स का। ठीक है भाई मुझे दो तीन बार इधर आना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, एंड ये सच भी हो सकता है आई गेस। ओके तो मुझे इधर एक पोकेबॉल मिला, मैक्स पोशन। ठीक है भाई मैक्स पोशन मिल गया एक फ्री का, अच्छा है। ओके इधर एक और पोकेबॉल है, TM37। ये कौन सा अटैक है TM37, मुझे देखना है। ये TM37 है, एक बॉम कौन सीख सकता है एक बॉम? कोई नहीं, इसे मैं बेचूंगा एक बॉम। अगर मैं एग्जीक्यूट को पकड़ता तो ज़रूर होता मेरे पास। पम 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 पम, ओके उधर भी एक पोकेबॉल पड़ा है, क्या है भाई? रिपेल का इफेक्ट ख़त्म हुआ, ठीक है फुल रिस्टोर मिला। इधर एक और हाउस है, रेस्ट हाउस, इसके अंदर चलते हैं रेस्ट हाउस के अंदर। हाउ मैनी डिड यू कैच? आई बस्ट फ्रॉम द वर्क। भाई मैंने ज़्यादा पोकेमोन कैच नहीं किया और मैं कैच करना नहीं चाहता। आई कॉट ए चांसी दैट्स मेक दिस ए वॉल वर्थ वाइल। ओके और तुमने कौन सा पोकेमोन कैच किया है ब्रो? वन आई एम ट्राई फ्रॉम ऑल द फन। ओके ये फन के लिए कैच करते हैं, ये इतना इंटेंशन नहीं है इसे कैच करने का, बस ये फ्रेंड हिसाब से आ रहा है। ठीक है भाई एग्जीक्यूट, हट भाई मुझे नहीं चाहिए तुझसे बैटल नहीं करना। नीरोना, अबे नीरोना को मैंने क्या कैच कर लिया ब्रो, मुझे कैच भी नहीं करना था। डबल बटन दब गया शायद इसीलिए कैच हो गया नीरोना। क्या करूँगा मैं नीरोना का, अपने पास ही रख लेना।
ट्रेनर टिप्स द रिमेनिंग टाइम डिक्लाइंस ओनली व्हेन यू वॉक। ओके, मैं जब वॉक करूँगा तभी वो अपना टाइम जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाएगा, टाइम पास नहीं होगा। इधर कुछ है क्या, एक बार जाके देखता हूँ मैं। अबे बोर्ड में क्या लिखा है, ट्रेनर टिप्स पोकेमोन हाइड इन टॉल ग्रास जिगजैग थ्रू ग्रासी एरिया टू फ्लश देम आउट। ओके, ये मुझे जिगजैग भागने को बोल रहा है लेकिन मैं जिगजैग भागूंगा नहीं ब्रो। नीरोरोनी ना भागे ऐसे ऐसे, साले तू भी भाग बहन के लोन। ओ पे ये क्या बोल दिया मैंने, उधर पोकेबॉल पड़ा तो है उधर में लेकिन उधर जा नहीं सकता, मुझे सर्फ सीखना पड़ेगा तभी जा सकता हूँ मैं। तो मैं तो इधर से आया शायद। अबे नीटोरिना फिर से कैद हो गया भाई। अबे किधर गया सुपर रिपल, साले अपने सुपर रिपल का यूज़ कर ब्रो, हर कोई ये करता रहेगा तो रेंज जाऊँगा मैं। ओके सुपर रिपल, अबे सुपर पोशन नहीं यूज़ करना था, सुपर रिपल। ठीक है सुपर रिपल यूज़ कर लिया मैंने, अब नहीं आएंगे ब्रो पोकेमोन्स। कुछ है क्या इधर भाई, कुछ नहीं है, फाका है इधर भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डिंग डोंग टाइम अप हो गया ब्रो, तो नेक्स्ट टाइम शायद मैं सफारी जोन जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड